रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका बहनों, आप सभी को हमारा क्रांतिकारी अभिवादन स्वीकार हो। बहनों, आप सभी लोगों को यह तो पता होगा कि आपके अपने बीच की कुछ बहनों ने 2 दिसंबर से अनवरत काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू किया है। इसी क्रम में 15.1617 दिसंबर को लखनऊ के इको गार्डन में अपनी संगठन क्षमता के अनुसार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत माननीय विभागीय मंत्री स्वाति सिंह जी तथा निदेशक महोदया और अपर निदेशक महोदया और संगठन के प्रतिनिधिमंडल के मध्य वार्ता हुई, जिसमें मंत्री महोदया ने हमारी मांगों को गंभीरता से सुना और जो कार्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है उसके लिए निदेशक महोदया को निर्देशित भी किया और हमारे मानदेय बढ़ोतरी के विषय में उनके द्वारा कहा गया कि आपके मानदेय को बढ़ाया जाएगा, जो कि 8,000 रुपये तक हो जाएगा। जब पदाधिकारियों के द्वारा इस प्रकार के आश्वासन की घटित कई ऐतिहासिक घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराया तो कहीं आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, मगर हमारे विश्वास को इतनी बार रौंदा गया है कि अब भरोसा नहीं रह गया। इसलिए हम अपनी बहादुर बहनों के साथ अपनी मांगों का उचित निस्तारण होने तक काम बंद कलम बंद हड़ताल जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में आज से केंद्र पर काली पट्टी बांध कर डटे रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, चाहे विभागीय हो या गैर विभागीय। हम प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों से हौंद ताली बजाने कर अनुरोध करते हैं कि एक बार आप अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए काम बंद कर दें, चाहे वह विभागीय हो या गैर विभागीय, किसी भी कार्य को करने से मना कर दें। ध्यान रहे, आपके पास केवल 5 जनवरी 2022 तक का समय और बचा है। अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो अगले 5 साल फिर से हमारे साथ अगला पिछला होने वाला है। आप लोग चाहे जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं, उन जुझारू जिला अध्यक्षों से अनुरोध करते हैं जिनके साहस और नेतृत्व की चर्चा होती है, जिन्होंने निडर होकर इस सरकार को नाकों चने चबवा दिए हैं आंगनवाड़ियों के धरने प्रदर्शन में। हम उन जुझारू जिला अध्यक्षों से अनुरोध करते कि आप अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए इस आंदोलन में शामिल हो जाए। यह आपका आंदोलन है, शुरुआत हमने किया है, अंत आप करिए। रही बात झंडा बैनर की, तो आप अपना भी उठा सकती अगर कोई मजबूरी हो तो। सरकारी बंधुआ मजदूर आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका इस प्रकार का बैनर बनवा सकते हैं, हमें किसी रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता नहीं है। आखिर कब तक आप लोग अपने अधिकार से वंचित रहना चाहती है, कब तक संगठन संगठन के खेल में पड़ी रहेंगी। आज इसी कारण जब से हमारे प्रोत्साहन राशि का शासनादेश जारी किया गया है, तब से आज तक 75,000 रुपये का नुकसान हो चुका है, जो हमें मिल सकता था मगर नहीं मिला। इस नहीं मिलने का कारण भी हमारे विभागीय अधिकारी है। अगर वह लोग गाइडलाइन में इतनी कड़ी शर्तें लागू नहीं करते तो शायद आज हमारा जो नुकसान हुआ वह नहीं होता। अगर यही नुकसान उन अधिकारियों का होता तो अपने लिए उस नियम में बदलाव कर दिया गया होता, मगर हम मजबूर और लाचार लोग हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाए। अतः आप सभी लोगों से अपील है कि कल परसों तक आप सभी लोग अपने अपने जनपदों में काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू करके रिपोर्ट देना बंद कर दें, और जब भी जिले या लखनऊ में फिर से इकट्ठा होने के लिए कहा जाए तो आप अपनी संख्या बल के साथ उपस्थित होकर इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने में सहयोग करें। लखनऊ के कार्यक्रम में चाहे जैसे भी हो, किसी परिस्थिति से निपटना पड़े, आप लोग शामिल जरूर हों। आज आप खुद विचार करिए, हमसे पीछे आए हुए कर्मचारी कहाँ पहुँच गए और हम लोग कहाँ खड़े हैं। इसका कारण भी अपने आप से पूछना और निदान भी आपको स्वयं से मिल जाएगा। अब बहुत कुछ लिखा जा चुका है, हमारे समझ से इतना काफी है। आंदोलन शुरू करने के लिए अगर आप साथ देंगी तो इस लड़ाई को हम लोग जरूर जीत जाएंगे। आखिर कब तक अपने भविष्य को अधिकारी और सरकार के हाथ गिरवी रखकर आप नौकरी करती रहेंगी, यह शोषण कब तक। आप एक बार उठकर सीना तानकर खड़ा होकर कहिए अब बस, और याद रखिए जिस दिन आपने यह कह दिया उसी समय से आपका शोषण बंद हो जाएगा और हम आप सभी लोगों को इस सरकारी बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही शोषण से भी। उठो ये बहनों, शस्त्र उठा लो, युद्ध करो बेईमानों से, कोई गोविंद नहीं आएंगे। अधिकार हमारा दिलाने को कब तक धोखा खाओगी इन बिके हुए। आपको परिचय मैम। मेरा नाम लीना पांडे है, मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष रायबरेली से हूँ। मैम आप यहाँ रोज आते हो? नहीं, हम लोगों का क्रमिक अनशन जो है दिनांक 27/12/2021 से शुरू हुआ है। हम लोग 2 दिसंबर से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए अपने अपने जनपदों में। आज परदेशी आह्वान पर हम लोगों का जो जिला रायबरेली है
वो प्रदेश में आया है क्रमिक अनशन पर बैठने के लिए। मैम आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? हमारा धरना प्रदर्शन जो है काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन है और क्रमिक अनशन है हम लोगों का। अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और मुझको बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि माननीय जी के राज में जो कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं, क्या ऐसे सशक्तिकरण में भीषण ठंड में उनको नहीं दिख रहा है हम बहने हम माताएं आज सड़क पर बैठने को मजबूर हैं? मुझको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जब ये आए थे तो हम इनसे बहुत अच्छी उपेक्षा लगा के रखे थे कि हम लोगों के अच्छे दिन आ गए। ऐसे अच्छे दिन आए हैं कि हम लोगों को बताते हुए शर्म आ रही है कि हम लोग सड़क पर बैठने पर मजबूर। धन्यवाद मैम। आपका परिचय? मैम मेरा नाम रेखा मिश्रा है, मैं शहर योजना परियोजना से हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। लागत है हम संभा दीदी तेज। हम लोग यहाँ पे क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में, और हम जब तक योगी जी लिखित आदेश नहीं हम लोगों को देंगे, हम आंगनबाड़ी बहने पूरे प्रदेश की, हम लोग काम पे नहीं वापस जाएंगे। हम लोग क्रमिक अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन जब तक योगी जी हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे हम लोग वापस नहीं जाने वाले अपने जिले में। 17 तारीख को जो आपकी वार्ता हुई थी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 17 तारीख को वार्ता उन्होंने किया, मौखिक रूप में दिया, लेकिन लिखित रूप में उन्होंने कोई भी कागज़ नहीं दिया है। जब तक वो हमें लिखित रूप में नहीं देंगे हम लोग आश्वासन पर अब काम नहीं करेंगे। 5 वर्ष हम लोग आश्वासन में काम कर चुके हैं लेकिन अब नहीं। संविदा के तो बहुत सारे विभाग हैं, क्या सारे विभागों को प्रोत्साहन राशि देकर कार्य कराते हैं? तो हम बहनों के साथ इतना दोगला व्यवहार क्यों?